नाम पाकिस्तान है लेकिन वो एक नापाक देश हो गया है, इसलिए मैंने कहा है नाम पाकिस्तान है लेकिन नापाक देश की तरह बिहेवियर कर रहा है, इसलिए योग पूर्वक युद्ध करके पाकिस्तान को शुद्ध करने की, पाक करने की आवश्यकता है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सेना के कठपुतली, एक कायर, बुजदिल और नपुंसक प्रधानमंत्री है, उससे हम ये उम्मीद करें कि वो शांति कायम करने कर देगा। कहता है कि मुझे शांति कायम करने का एक मौका दो। वहां की सेना रोज क्रूरतापूर्ण हरकतें करती, आईएसआई और हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे दहशतगर्द, मानवता के लिए खतरे, असुर, राक्षस, पिशाच प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको तुरंत दफन करना चाहिए। जो ओसामा बिन लादेन का हाल किया, वही हाल हाफिज सईद और मसूद अजहर का दो दिन में हिंदुस्तान कर सकता है। इतनी ताकत है हमारे पास में, रणनीति है हमारे पास में, नीति है, और भारत एक सामर्थ्यवान देश है। भारत को पूरी दुनिया देख रही है। भारत को एक जिम्मेदार देश की तरह आचरण करते हुए और अपनी आत्मरक्षा करते हुए, जो भी देश के भीतर और बाहर जो हमारे दुश्मन हैं, उनसे अपना बदला लेना चाहिए। और इस बार आर पार की लड़ाई ऐसी होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ में कि फिर कम से कम 50 साल तक पाकिस्तान भारत को आंख ना दिखा सके, ऐसे उसकी कमर तोड़ देनी चाहिए। बाबा, भारत में पिछले 100 सालों से एक झूठ बोला जा रहा है कि हमने 1000 सालों से कोई युद्ध नहीं किया। भारत ने योग और युद्ध के सिवा कुछ किया ही नहीं। हम राम की पूजा करते हैं तो राम और रावण के युद्ध के बाद राम पूजे गए। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण और कंस के युद्ध के बाद कृष्ण की यहां पर पूजा होती है, और महादेव शिव की पूजा उनके तांडव नृत्य और असुर संहार के बाद होती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यदि अखंड भारत का सपना संजोया तो युद्ध के बाद वो सपना पूरा हुआ। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज की हम पूजा उपासना करते हैं, यदि हम लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श मानते हैं, तो उन्होंने 565 रियासतों को झुकाया, उनको भारत में मिलाया और अखंड भारत बनाया। यदि भारत युद्ध नहीं करता तो वो टूटेगा। युद्ध ना किया उसका परिणाम हुआ कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया, कहीं तो वर्मा कंबोडिया से लेकर के और तिब्बत तक हमारी सीमाएं थी। आज हम अपने आप में सिकुड़ गए और अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हम बेबस से दिखाई देते हैं। यह एक सामर्थ्यवान देश को शोभा नहीं देता। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। आज पूरे विपक्ष के सामने मोदी जी जैसा चेहरा और चरित्र नहीं है, और उनको देश एक साहसी प्रधानमंत्री, पराक्रमी प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। और 125 करोड़ लोग ये भरोसा रखते हैं कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता मोदी जी के नेतृत्व में अक्षुण्ण रहेगी। और आज जब 125 करोड़ लोग मोदी जी के पीछे खड़े हैं, तो उनको, हमारी तीनों सेनाओं को, सारे अर्धसैनिक बलों को खुली छूट दे देनी चाहिए। और इस बार ऐसा सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को कि फिर वो भारत पर हमला करने तो बहुत दूर की बात रही, वो आंखें उठा करके ना देख सके। इतना बुरा हाल पाकिस्तान का करना चाहिए, क्योंकि हमने इन पिछले 17 सालों में 50,000 से ज्यादा जवान भारत के हमने खोए हैं, अपने नागरिकों की मौतें हमने देखी हैं। और जब हमारे सैनिकों के शीश कट करके आते हैं, उनके शरीर के चिथड़े होकर के और वो लहूलुहान होकर के आते हैं, तो भारत शर्मसार होता है। अब हमें शहीदों की शहादत नहीं चाहिए, अब हमको यदि इसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कश्मीर एक बड़ा मामला, काफी उम्मीद थी लोगों को, आप लोग भी बाबा लगातार ये डिमांड करते रहे हैं कि 370 हटाना चाहिए, लेकिन देर हो रही है। एक देश, एक संविधान, एक कानून,
एक जैसे सब नागरिकों को अधिकार, एक जैसे सब नागरिकों को अवसर, यदि नहीं मिलते तो देश की आजादी का मतलब क्या रह जाता है? भारत कोई मजहबी देश नहीं है कि वहां जम्मू कश्मीर में 370 और 35 लगेगी, वहां के नागरिकों को विशेष अधिकार होंगे। क्या हम इस देश के लोगों को टैक्स देते हैं? हम इस देश के लोगों के लिए टैक्स देते हैं, हर साल सरकार को 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो लोग कर चुकाते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, उनको माने आटा, नमक, घी, तेल से लेकर के बिजली से लेकर के उनके एजुकेशन से लेकर के उनके रोजगार से लेकर के सब कुछ उनको विशेष किस बात के लिए? जब हिंदुस्तान के लाखों करोड़ को टैक्स चुकाने वाले नागरिकों को सामान्य सुविधाएं मिलती हैं और विशेष सुविधाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती हैं, जहां पर लोग भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, वहां पर विशेष सुविधाएं दी जा रही है किस बात के लिए? तो एक देश एक कानून, सिविल कोड और 370, 35A, इस सब पर अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए। पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ है, कोई डरने की बात नहीं है। देश बचेगा तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 125 करोड़ हिंदुस्तानी बचेंगे, और देश नहीं रहा तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए देश से बड़ा न कोई राजनीतिक दल होता है, देश से बड़ा न कोई व्यक्ति होता है और न कोई प्रधानमंत्री होता है। देश के लिए जो खड़ा होगा, जो लड़ेगा, उसके पीछे पूरा देश खड़ा होगा। इसलिए माना कि हमारे देश के अंदर आंतरिक समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, इन सब से हमें लड़ना है, लेकिन देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इसलिए सारे मुद्दे बरकरार हैं, उनके ऊपर भी हमें काम करना और भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना है, लेकिन सबसे पहले हमें आत्मरक्षा करके, हमें आत्मरक्षा करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाना है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी हैं, तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, पहले चुनाव करा लो फिर इस पर कुछ करना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, पाकिस्तान के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है, और बातें बहुत हो चुकी, बयानबाजी बहुत हो चुकी, अब तो वहां पर ऐसा काम होना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से सरकार की रणनीति है, हम इसके लिए कोई दबाव नहीं डाल रहे। लेकिन देश के 125 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि अब पाकिस्तान के सामने भारत को नहीं झुकना चाहिए, रोज शहादत नहीं होनी चाहिए, सीमाओं से हमारे जवानों के शव नहीं आने चाहिए, अब एक के बदले 10 शीश काटने का वक्त आ गया। बाबा राम मंदिर पे क्या कहेंगे? कल से सुनवाई है, काफी लंबे अरसे से कोशिश हो रही है, सरकार ने भी बीच में कुछ कोशिश की, अब सुप्रीम कोर्ट में कल से फिर एक बार सुनवाई शुरू होने वाली है। राम मंदिर, राम और सीता जैसा राष्ट्र का चरित्र, और राम राज्य जिस भारत में हो ऐसे राष्ट्र का निर्माण, तो मंदिर निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण, ये तीन बड़े काम है, ये तीनों साथ होने चाहिए। राम न तो वोट बैंक है, न किसी राजनीतिक पार्टी की वो एजेंडा है, राम राष्ट्र की अस्मिता है, राष्ट्र के स्वाभिमान है, सम्मान है, राम हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे आचरण की श्रेष्ठता, हमारी आचरण की मर्यादा है, और राम हिंदुओं की तरह मुसलमानों के भी पूर्वज है। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पाठ की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते, इसलिए भारत के पूर्वज हैं राम, वो हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं है। इसलिए सब भारतीयों को एक होना चाहिए राम के मुद्दे पर, और राम जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए, और राम जैसा राष्ट्र का चरित्र होना चाहिए, इस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, और सारी राजनीतिक पार्टियों को इस मुद्दे पर एक साथ खड़े होना चाहिए, और जो पार्टियां ये कहती हैं कि हम राम के साथ नहीं है, उनको बता देना चाहिए कि हम राम के साथ नहीं है। दो बच्चों का जो अभियान है, क्या उसके पीछे की दृष्टि है? पिछले 70 सालों में भारत की आबादी 4 गुना बढ़ गई, 30 करोड़ से हम 130 करोड़ हो गए, 100 करोड़ लोग हमने 17 सालों में बढ़ा दिए। यदि यही रफ्तार चलती रही तो 2050 तक भारत की आबादी 250 करोड़ हो जाएगी। क्या उतनी सड़कें, उतने स्कूल, कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना लोगों के खाने का अनाज हमारे देश के पास है? इसलिए मैंने कहा कि अब आने वाले 50 सालों के भारत के बारे में सोचो, पंचवर्षीय योजनाओं से बात नहीं बनेगी, 50 से 100 साल का कम से कम भारत के बारे में सोचना पड़ेगा हमको, और इसके लिए हमें कम बच्चे पैदा करने चाहिए। बच्चा पैदा करना कोई बहुत बहादुरी का काम है क्या? अरे उतने बच्चे पैदा करो जिसको अच्छे से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान के साथ जीने का हक दे सको।
इसलिए मैंने कहा दो से ज्यादा जो बच्चा पैदा करे, हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी जाति को मजहब का हो, उसका एक तो वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए किसी भी प्रकार की। फिर भी किसी को मर्जी है कि मैं तो ज्यादा बच्चे पैदा करूंगा और उसको मैं अच्छे से स्वावलंबन दे सकता हूँ, आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का हक दे सकता हूँ, तो पैदा करें। प्रधानमंत्री जी के आप प्रशंसक रहे हैं, कल कुंभ से एक तस्वीर आई, हिंदू चेहरा पहली बार इस तरह से किसी प्रधानमंत्री ने दिखाया होगा, कल वो डुबकी लगा रहे थे, उसके बाद सफाई कर्मचारियों के पैर थे, कुछ राजनेताओं को ही इसमें समस्या नजर आई है। हिंदू होना, सनातन वैदिक आर्य धर्म को मानना, ये कौन सा गुनाह है भाई? और देश का प्रधानमंत्री एक हिंदूवादी, एक राष्ट्रवादी, एक सनातन धर्मी आर्य धर्मी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई मुसलमान मक्का मदीना जाता है, कोई मुसलमान मस्जिद में जाता है, और चाहे वो एमएलए एमपी हो, किसी देश का सीएम पीएम प्रेसिडेंट हो, हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती। तो एक आर्य पुत्र पर, एक ऋषि पुत्र पर, एक भारत की सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले मोदी पर इतनी हाई तोबा क्यों? और जहां तक प्रश्न एक स्वच्छता आग्रही के, माने जिनको शूद्र कहा जाता है समाज में, उनके चरण धोना, ये तो वेद की परंपरा का निर्वहन किया है। वेद में मंत्र ब्राह्मणों से मुख मासित बाहु राजन्य कृता उरु तदा यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो हम तो सब भगवान के चरणार विंद की पूजा करते हैं भाई, अपने शरीर में भी ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, तो अपने माता पिता के भी चरणों में तो हम शीश झुकाते हैं ना, माथा से माथा तो नहीं अड़ाते। मैंने तो पिछली दिनों भी कहा था कि जब ये ब्राह्मण शूद्र के चरणों में झुकेगा तो समाज में समरसता आएगी। तो मोदी जी ने शूद्र समाज का, दलित समाज का, वाल्मीकि समाज का सम्मान किया है, एक स्वच्छता कर्मी के चरण प्रक्षालन करके। लोग जो बड़ी जाति के लोग हैं या जो संत महंत हैं, जिनको बड़ा सिद्ध पुरुष कहा जाता है, उनके पाद प्रक्षालन किया करते थे। सारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी, वो एक व्यक्ति नहीं है। तो एक तरह से भारत वंदना कर रहा है एक दलित की, एक वाल्मीकि के, एक शूद्र की, यह भारत की परंपरा। और मोदी जी ने इस परंपरा को गौरव प्रदान किया है, यह एक ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किया है, मैं इसका 100% समर्थन करता हूं। मैंने स्वयं अपनी यात्रा आज से 8-9 साल पहले पश्चिम बंगाल में शूद्र महिलाओं के पाद प्रक्षालन करके की थी, होना चाहिए, यह अच्छी पहल है। स्वामी जी, एक और सवाल है, 1 तारीख शाम पर केजरीवाल साहब धरने पर, पिछली बार आपने उन्हें समर्थन दिया था, उनके मंच पे आप गए थे, इस बार क्या रुख रहेगा? देखिए, राजनैतिक दृष्टि से मेरा किसी राजनैतिक दल और उस दल के व्यक्ति से कोई वैर विरोध नहीं है। मैंने कहा है बार बार, मैं सर्वदलीय निर्दलीय हूँ, मैं न पक्ष न मैं न विपक्ष में, मैं निष्पक्ष हूँ, इसलिए राजनीतिक बयानों से मैं बचना चाहता हूँ। जो देश के साथ है स्वामी रामदेव, उसके साथ है, मेरा किसी राजनीतिक दल से विरोध और समर्थन नहीं है। मैं देश के लिए जीता हूँ और जो देश के लिए जिएगा हम उसका समर्थन करेंगे, बाकी राजनीतिक जो बयानबाजी है उसमें हम पछड़े में नहीं पड़ेंगे। एक सवाल जुड़ा हुआ है, धरने की राजनीति को, देखिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, यह भी आवश्यक हो जाता है अपने आवाज को स्वर देने के लिए, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। महात्मा गांधी जी एक बार आंदोलन किया करते थे तो 10 साल तक के लिए फिर सृजनात्मक काम किया करते थे। आज हमने भी इस देश के अंदर 5 साल तक आंदोलन किया, लेकिन अब रचनात्मक कामों में लगे हुए, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, न्यू क्रिएशन, इनोवेशन, तो हमें दोनों कामों को साथ में लेना पड़ेगा, एक तरफ आंदोलन हो तो दूसरी तरफ निर्माण भी हो। स्वामी जी, एक बोर्ड बना रही है सरकार, वैदिक बोर्ड, ऐसी खबर है कि आप उसको हेड करेंगे, क्या आप कुछ प्रकाश डालेंगे? आजादी के इन 70 वर्षों में अनेक ऐसी आयोग बने जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने सुझाव दिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मॉडर्न सब्जेक्ट्स के साथ साथ योग, स्पिरिचुअलिटी,
भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, सभी मत पंथ संप्रदायों के जो मूल तत्व पढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि भारत स्वभाव से एक आध्यात्मिक देश है। और 1835 में जो मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति को नष्ट किया, क्योंकि मैकाले कहते हैं कि मैंने पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत को देखा, कोई मुझे भिखारी नहीं दिखाई दिया, कोई मुझे गरीब दिखाई नहीं दिया, यहाँ के सब लोगों में आत्मगौरव, सम्मान और स्वाभिमान का भाव, इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता लंबे समय तक, इसलिए इस देश के एजुकेशन सिस्टम को उसने ध्वस्त किया और केवल जो है अक्षर ज्ञान तक हमको सीमित कर दिया। शिक्षा के साथ जब तक संस्कार नहीं होंगे तो एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण नहीं हो सकता। इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को की एक नई कल्पना, एक नया सपना साकार करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। अब इसमें कई लोग एप्लीकेंट हैं, हमने भी इसमें पार्टिसिपेंट किया है, अब देखते हैं जो भी सरकार चीजों को सारे तथ्यों को इकट्ठा करके जिसको काबिल समझेंगे वो इस काम को करेगा, तो मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बड़ी क्रांति होगी, जब आधुनिक श्रेष्ठतम शिक्षा के साथ अपनी भारतीय आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी और हम न्यू इंडियन सिटीजन और न्यू वर्ल्ड सिटीजन, नए दिव्य भव्य विश्व नागरिकों का हम निर्माण कर सकेंगे, और यह देश के लिए बहुत आवश्यक है। समझिए, ये मेरा आखिरी सवाल है। राजनीति से दूर रहते हैं, दूर रहने की बात करते हैं, लेकिन एक सवाल तो बनता है कि ये जो सरकार अभी चली 2014 से लेकर, कितना मार्क्स देते हैं और आगे कैसी सरकार देखना चाहते हैं? सेटिस्फाई हैं जितने भी क्रियाकलाप हुए हैं? मोदी जी की नीयत, उनकी नीतियां और नेतृत्व वो बहुत विराट है। मैं मोदी जी के चेहरे को नहीं देखता, उनके चरित्र को देखता हूं, और मोदी जी का जितना बड़ा चरित्र है उनके उन विराट व्यक्तित्व, नेतृत्व और चरित्र के सामने विपक्ष के जितने भी चेहरे हैं वो बहुत अधने और बौने पड़ जाते हैं। यह सच है कि उन्होंने 100 से ज्यादा बड़ी योजनाएं शुरू की, उसमें से कुछ बड़े मुकाम तक पहुंची, कुछ में भी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन उनके दिल में देश बसता है। ये बात तो उनके विरोधी भी जानते हैं कि मोदी जी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, देश उनका सर्वस्व है, और दुर्भाग्य से मोदी जी ने गरीबों के घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस सिलेंडर देने से लेकर के, गरीबों के लिए शौचालय से लेकर के, बिजली से लेकर के, किसानों को जब उनके फसल का दाम बढ़ाने से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, और चाहे वो डिजिटल इंडिया था, मेक इन इंडिया था, और तमाम तरह के भारत निर्माण के लिए उन्होंने कार्य शुरू किए, लेकिन लोगों ने झूठ बोल बोल करके उनको गरीब विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, मुस्लिम विरोधी और कई तरह के उनके ऊपर जो है झूठे टैग लगाने की कोशिश की है। अब देश के लोगों को जागरूक होकर के, विवेकशील होकर के देखना पड़ेगा कि जितने भी नेता हैं इनका देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके आधार पर उनका मूल्यांकन करना चाहिए, और जिसका जितना बड़ा योगदान है देश के लिए उसी के आधार पर उसका समर्थन या विरोध करना चाहिए।